हेलो दोस्तों, टेक्निकल एक्सटेंशन फैमिली में सबका, जो लोग सब्सक्राइब किए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सिर्फ मेरे वीडियो देखते रहते हैं, वो लोगों को भी हम बोलते हैं धन्यवाद। दोस्तों, मेरा टीई मतलब टेक्निकल एक्सटेंशन चैनल का एक साल कंप्लीट हुआ है और हम आप सबके पास ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे ही आप मेरे को सपोर्ट करते रहिए ताकि मेरा चैनल और भी आगे बढ़े और हम आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो ले आ सकूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, उसके पहले हम आपको साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, यूट्यूब में बहुत सारे लोग आते हैं, फेल भी होते हैं, ग्रोथ भी होते हैं। मेरा तो अभी उतना ग्रोथ भी नहीं हुआ कि मोनेटाइजेशन ऑन होगा, लेकिन दोस्तों जितना है वो मैं सोचता हूं कि मैं उसका काबिल हूं और उतना मैं गेन कर चुका हूं। 328 to 329 मेरा सब्सक्राइबर है और व्यूज कम से कम आपका 31,000 के आसपास है। तो दोस्तों, इतने में मैं खुश हूं क्योंकि मैं जितना आपको डिलीवर कर चुका हूं कंटेंट, उतना ही मेरे को मिला है। हो सकता है कुछ कुछ गलती के कारण या वीडियो बनाने के कारण वो मेरा प्रॉब्लम हुआ था, आप लोग पसंद नहीं किए वो वीडियो को, या कुछ कुछ वीडियो को आप लोग पसंद किए, ये दोस्तों चलता ही रहता है और ये हम अभी भी सीखने का स्टेज में हूं। तो दोस्तों, एक साल में हम जैसा नया यूट्यूबर को क्या नया सीखने को मिला है यूट्यूब में काम करते हुए, ये एक्सपीरियंस हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। फिर से मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं सपोर्ट के लिए और आगे आप लोग सपोर्ट ऐसे करते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरा चैनल टेक्निकल एक्सटेंशन पे, मैं हूं आपका दोस्त सुब्रतो। तो दोस्तों, जैसा हम आपको बताए हैं कि आज मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि ये एक साल में मेरे को क्या क्या सीखने के लिए मिला है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मेरे को सीखने के लिए मिला है वो है मेहनत। दोस्तों, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बड़ा बड़ा यूट्यूबर को लोग फॉलो करते हैं और वो लोगों का जो वीडियो रहता है, मेरे को हंसी आता है दोस्तों, वो लोगों का जो वीडियो आता है कि मैंने आज ये परचेस किया, मैंने आज वो परचेस किया, और ये सब देख के लोगों को कहीं ना कहीं ग्रीडी फील होता है। मतलब वो सोचता है कि वाह भाई, यूट्यूब में आओ, वीडियो बनाओ और मस्ती से इतना पैसा लेके चले जाओ। बस ये चीज़ है नहीं ऐसा। आप लोग तीन चार दिन में कुछ कुछ वीडियो अपलोड करने के बाद जब फेल हो जाते हैं, तब आप लोग सब फॉर सब मोड में चले जाते हैं। मतलब सब्सक्राइबर फॉर सब्सक्राइबर, भाई तुम मुझे 10 सब्सक्राइबर दे दे, हम तेरे को 10 सब्सक्राइबर दे देते। भाई ऐसा चीज़ है ही नहीं YouTube में। YouTube एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है बॉस, और ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका परफॉर्मेंस से, आपको मेहनत से आपको खड़ा होना है। इस पे कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता है। इसलिए मैं अभी तक मेहनत करते जा रहा हूँ। मेरा अभी वीडियो का अमाउंट जो है 125 to 126 वीडियो हमने पब्लिश कर चुके एक साल में। तो दोस्तों, उसके हिसाब से मेरे को जितना सब्सक्राइबर मिला है, कुछ कुछ सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब भी करके चले गए, उससे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि दोस्तों, अगर मेरा परफॉर्मेंस और डेली बेसिस वीडियो हम पब्लिश नहीं कर पाएंगे और हम एंटरटेन नहीं कर पाएंगे मेरा सब्सक्राइबर को, तो ये तो सही बात है, सब्सक्राइबर लोग अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे। इससे मेरा कोई दुख नहीं है क्योंकि ये मेरा परफॉर्मेंस के हिसाब से मेरे को रिजल्ट मिल रहा है। नंबर 2, दोस्तों अगर आप यूट्यूब में सक्सेस होना चाहते हैं तो यूट्यूब में कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। एक साल में जैसे हम आपको बताए 125 वीडियो हमने पब्लिश किए हैं, दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि आपको एक साल में 225 वीडियो अपलोड करने से आपका सब्सक्राइबर 668 हो जाता, ऐसा नहीं है। आपको परफॉर्मेंस देने के लिए आपको अच्छा वीडियो बनाना होगा, आपको कंटेंट के बारे में सोचना होगा। आप लोग अगर बड़ा यूट्यूबर को फॉलो करते हैं तो उसके पास से देखिए, उसका पुराना वीडियो, उसका नया वीडियो देखिए, उससे कंपेयर कीजिए कि कैसे वो लोग डिफरेंस लाए खुद का वीडियो में और कैसे उसके सब्सक्राइबर को वो एंगेज करते हैं। वो चीज़ आपको पकड़ना होगा, वो चीज़ हम अभी तक सीख रहा हूँ दोस्तों। नंबर 3, दोस्तों मैं जब से YouTube में वीडियो बनाना शुरू किया हूँ और ये चैनल को ओपन किया हूँ टेक्निकल एक्सटेंशन, मैं मनोज दे को फॉलो करता हूँ। दोस्तों बंदे में तो कुछ तो बात है, क्योंकि दोस्तों बंदा तो उस मोड पे नहीं था कि जिस मोड से हम सोच भी सकते कि कोई YouTube में आके इतना पॉपुलर हो सकता है। वो बंदा जिस लेवल से खड़ा हुआ है ना भाई, उस लेवल में कोई अगर नहीं रहता है तब सोच नहीं पाएंगे कि उस लेवल पे रहने में क्या क्या दुख और क्या क्या तकलीफ चलता है। और उस हालत से, उसका घर का हालत हम देखे थे वीडियो में, बहुत खराब लगा था। और वो जैसा वीडियो रिकॉर्डिंग करता था सीढ़ी पे बैठ के, वो भी देख के मेरे को खराब लगता था।
उस लेवल से उठ के आया एक यूट्यूबर को, सही में हम बता रहे हैं मनोज दे एक ऐसा यूट्यूबर है। हम किसी का मतलब यहाँ पे ये प्रमोशन करने के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं और ना हम मनोज दे से कोई कमेंट की आशा करके हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ हम इसीलिए बना रहे हैं दोस्तों कि मेरा एक साल का एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हर एक यूट्यूबर का सपना होता है कि हम बड़ा हो जाए यूट्यूब में आके, लेकिन उसको किसी ना किसी को फॉलो करना ही चाहिए। अगर मैं मनोज दे को फॉलो करता हूँ, आप लोग टेक्निकल गुरुजी को फॉलो कीजिए, आप लोग टेक्निकल जोगी जी को फॉलो कीजिए, कोई माई स्मार्ट सपोर्ट को फॉलो कीजिए या टेक्निकल इसरार जी को फॉलो कीजिए। दोस्तों करना होगा, इंस्पिरेशन आपको मिलना चाहिए। आपका काम करने का इंस्पिरेशन अगर नहीं मिलेगा आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप विराट कोहली की बात करते हैं, अगर आप सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, अगर आप सौरभ गांगुली की बात करते हैं, ये लोग बड़ा हुआ है तो किसी को देख के ही बड़ा हुआ है दोस्तों, किसी को फॉलो करते हुए ही बड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऊपर से भगवान ने उसको अंदर दे दिया था। तो दोस्तों जिसको आप फॉलो करते हैं उसको ध्यान से फॉलो कीजिए, उसको इंस्पिरेशन मॉडल के हिसाब से आप लोग आपके दिल में बैठाइए और उसका जो कंटेंट बनाने का तरीका है, उसका जो प्रोसेस है, वो चीज़ आप लोग माथा में रखिए। रखने के बाद आप लोग कंटेंट बनाइए, देखिए आपका ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों यूट्यूब अच्छा प्लेटफॉर्म है, जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि कोई भी हम शॉर्टकट वे से बड़ा बन जाए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यूट्यूब का जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होता है, वो कम्युनिटी गाइडलाइंस को देखते हुए ये सब बड़ा यूट्यूबर लोग वीडियो बनाते हैं। ये लोग भी क्या धोखा नहीं खाए हैं यूट्यूब में आके? धोखा खाए हैं एक एक चैनल के। मनोज ने तो खुद ही बोला है कि मेरा एक चैनल पहले था वो डिलीट हो गया था, ये मेरा दूसरा चैनल है जिस पर हम ग्रोथ लाए। तो दोस्तों वो लोग सीखे हैं, वो भी कहीं ना कहीं धक्का लगा है उनको, तो उसके बाद वो सीखे हैं। तो आपको अगर धक्का नहीं लगेगा आप ऐसे ही सीख जाएंगे, ये नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आप बताइए मनोज दे क्या एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर है? नहीं है। माई स्मार्ट सपोर्ट में धर्मेंद्र जी प्रोफेशनल वीडियो एडिटर है? नहीं है। तो आपको भी नहीं होना चाहिए ना, आप भी मत बनो प्रोफेशनल वीडियो एडिटर। लेकिन जितना आपको सीखना है और जिससे सीख रहे हैं उन लोगों को रिस्पेक्ट कीजिए। देखिए क्रिटिसिज्म करके अगर आप बड़ा होना चाहते हैं यूट्यूब में, आप जिंदगी में बड़ा नहीं हो पाएंगे। एक हफ्ता के लिए बड़ा होंगे, दो हफ्ता के लिए बड़ा होंगे, लेकिन लाइफ टाइम के लिए आप बड़ा नहीं बन पाएंगे। दोस्तों क्रिटिसिज्म जो लोग करते हैं ना, एक चीज मेरे को समझाइए, अगर आपके पास मान लीजिए 2000 सब्सक्राइबर है, आप किसी बड़ा यूट्यूबर का क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया, तो आपका जो 2000 सब्सक्राइबर है, 2000 सब्सक्राइबर भी पहले वो वीडियो को देखेगा। तो मान लीजिए आपका वीडियो का हम टारगेट ऑडियंस पकड़ लिए 2000। अब मान लीजिए जिस बड़ा यूट्यूबर का क्रिटिसिज्म आप किए, वो अगर आपका इस वीडियो के ऊपर कोई भी बात बता दिया, उनका कितना सब्सक्राइबर है? 10 लाख, मतलब 1 मिलियन, या मान लीजिए 2 मिलियन। तो उनका जो वीडियो का टारगेट ऑडियंस है कितना है? तो दोस्तों ये आप लोगों का दिमाग पे क्यों नहीं आता, मेरे को समझ में नहीं आता। हर बड़ा यूट्यूबर के बारे में आप लोग क्रिटिसिज्म का वीडियो बनाते रहते हैं, ये गलत है दोस्तों, ये आप कभी भी मत बनाइए। यूट्यूब में आए हैं तो हर बड़ा यूट्यूबर का रिस्पेक्ट कीजिए और वो लोगों से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है थैंक्स बोलिए या कॉमेंट्स में जाके कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन आप उसको लेके क्रिटिसिज्म मत कीजिए। अगर देखिए गलती सबसे होता है, बड़ा यूट्यूबर मनोज दे हो या माई स्मार्ट सपोर्ट हो या टेक्निकल गुरुजी, सबका गलती होता है दोस्तों। हम लोग सब दोस्तों ह्यूमन है तो ह्यूमन से ही गलती होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो टेक्निकल गुरुजी हैं, टेक्निकल गुरुजी सर से भी गलती होता है। एक वीडियो उन्होंने पब्लिश किया था, तुरंत वो वीडियो को अनपब्लिश कर दिया था, एक सैमसंग का ऐड था, तो वो कहीं ना कहीं कुछ गलती हुआ है या मिस्टेक हुआ है, इसलिए हुआ। अगर आप उसको लेकर आप क्रिटिसिज्म बनाना शुरू कर देंगे, गलत है। अब वीडियो बनाते वक्त कुछ हो सकता है, वीडियो या मान लीजिए ऑडियो में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आपको दिखने में आया कि पहले वो कोई दूसरा वीडियो में आप देख लिए, तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए कि उसको लेकर आप क्रिटिसिज्म बनाना स्टार्ट कर दिए। कभी भी यूट्यूब में आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप बड़ा यूट्यूबर के बारे में कुछ बोल दिए, वो लोग यूट्यूब में कंप्लेन कर दिए ताकि आप बड़ा ना हो पाए, ऐसा बात नहीं है। लेकिन उससे आपका प्रोफाइल का जो एक स्टेटस होता है ना दोस्तों, वो गिर जाएगा सबके आंखों में, ऐसा मत कीजिए। चौथा, मनोज दे का जो चैनल है उस चैनल पर हर एक चीज का मसला रहता है। आप यूट्यूब के अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस के सामने खड़ा है और कम्युनिटी गाइडलाइंस आपके ऊपर आ चुका है, तो आप बचेंगे कैसे? वो भी आपको मिलता है। YouTube का हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स का अपडेट वो भी देते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का जो अपडेट आपको मिलता रहता है, इस चीज़ का जो वो वीडियो बनाते हैं, ये वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं।
वो खुद ये बोलते हैं कि मेरे पास सब लोग आते हैं और पूछते हैं भाई ये हो गया भाई वो हो गया भाई आप भी चैनल कैसे बचाएंगे भाई। तो वो उसके ऊपर जब वीडियो पब्लिश कर रहे हैं तुम लोग देखते नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हो कि बड़ा यूट्यूबर के पास चले जाएंगे, जब मुसीबत सामने आएगा वो लोग बचा लेगा। क्यों बचाएगा दोस्तों? वो लोगों का भी काम नहीं है क्या आप लोगों का चैनल बचाने के लिए वो लोग बैठा है क्या? ऐसा तो नहीं है। तो वो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, जिस प्लेटफॉर्म से वो लोग शुरू किया उस प्लेटफॉर्म के जरिए ही आपको हेल्प करेगा। सिंपल सा बात है दोस्तों, वो लोग यूट्यूब पे वीडियो पब्लिश कर रहे हैं, यूट्यूब में सॉल्यूशन दे रहे हैं, उसका वीडियो आप देखिए और उस सॉल्यूशन को आप अपनाइए और उस दरकार पड़े तो यूट्यूब का वो वाला वीडियो को आप लोग आपका यूट्यूब ऐप में सेव करके रख दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर आपका कोई भी ऐसा मुसीबत आए कि आपका कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया है या चैनल हैक हो गया, उसका कैसे आप लोग रेजोल्यूशन मिल सकता है, तो वो आप सेव करके रख सकते हैं। मैं भी मेरा यूट्यूब ऐप में मनोज दे का, माई स्मार्ट सपोर्ट का या आपका टेक्निकल योगी जी का जितना भी ऐसा वीडियो है, जो सीरियस वीडियो है, जो जैसा कि आपका कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के ऊपर वीडियो है, जैसा कोई टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर वीडियो है, जो चीज़ यूट्यूब का वीडियो में नहीं एंगेज करना चाहिए या मान लीजिए ऐड नहीं करना चाहिए, कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट वीडियो हम भी सेव करके रखते हैं दोस्तों। ये रखने से आपका फायदा एक ही चीज़ का है, कभी भी अगर मान लीजिए ऐसा कोई आप वीडियो बना रहे हैं जिस पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है कि ये कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है कि नहीं, तो हम वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो ताकि मेरा दिमाग पे एक बार चल जाता है रिवाइंड के हाँ दोस्तों ये टर्म्स एंड कंडीशन पे ये अगर आ जाएगा तो ये कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। तो दोस्तों फिलहाल यही था वीडियो में कि ये सब चीज मेरे को सीखने के लिए मिला है और दोस्तों जो खोए हैं हम, बहुत बड़ा लॉस मेरा हो चुका है क्योंकि मैं मेरा प्रोफेशनल गुरुजी जिसको मानते थे वो ऑलरेडी लास्ट वीक एक्सपायर कर चुके हैं, तो उसी के कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। मेरा मूड ठीक नहीं था दोस्तों, आपको पता ही होगा, कोई अगर आपका जो प्रोफेशनली जो आपको हेल्प करता था, जिसको आप प्रोफेशनली गुरुजी मानते थे, वो अगर चले जाए आपको छोड़ के तो कैसा लगता है। तो वादा करता हूँ आपसे डेली बेसिस वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और बहुत सारे लोग गिव अवे के बारे में पूछ रहे हैं, हाँ दोस्तों हम लोग गिव अवे लेके आने का कोशिश कर रहा हूँ और जैसे कि आप लोग बताए हैं कि गिव अवे में आपको चाहिए, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि कुछ स्मार्टफोन के रिलेटेड कुछ चाहिए या हेडफोन के रिलेटेड कुछ चाहिए, तो ज़रूर आपको हेडफोन रिलेटेड ही आपका नेक्स्ट गिव अवे आने वाला है, शायद आपको ब्लूटूथ हेडफोन मिल जाए गिव अवे में। अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल टेक्निकल एक्सटेंशन को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आशा करते हैं आप लोगों का सपोर्ट मेरे को मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।